चक्रवर्ती से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रिया चक्रवर्ती का एक टी शर्ट काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर किस वजह से रिया चक्रवर्ती का एक टी शर्ट चर्चा का विषय बना है और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती के ऊपर अब आगे क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद आगे क्या होगा, इसकी पूरी की पूरी जानकारी हम आपको आज के खास रिपोर्ट में बताएंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार करने वाले कोई और नहीं है बल्कि एनसीबी की टीम है। रिया चक्रवर्ती और उनके पूरे के पूरे परिवार वालों पर लगातार तीन जांच एजेंसियां जो हैं लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी। सुशांत सिंह राजपूत के केस की इन्वेस्टिगेट कर रही थी और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती के पैनी पैनी पर नजर बनाए रखी थी। जो जितनी भी जो जांच एजेंसियां हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के केस को सॉल्व करने के लिए मुंबई आई हैं, उन सारी की सारी जांच एजेंसियां जो है रिया चक्रवर्ती पर, खासकर की रिया चक्रवर्ती के भाई रिया चक्रवर्ती पर और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती के पापा के हर एक एक्टिविटी पर नजर बनाकर रखे हुए थे पहले दिन से ही। अब इसके बाद रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब जो है गिरफ्तारी से पहले रिया चक्रवर्ती जो है एक टी शर्ट में नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती जो है एक जींस पहनी हुई है ब्लू कलर की और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती एक टी शर्ट पहनी हुई है और टी शर्ट पर कुछ लिखा हुआ है। जी हाँ, टी शर्ट पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है हम आपको सबसे पहले बताते हैं दोस्तों। टी शर्ट पर लिखा हुआ है, रिया चक्रवर्ती की टी शर्ट पर वो ये लिखा हुआ है कि रोजेस आर रेड, वॉयलेट आर ब्लू, स्मैश पेट्रियोची मी एंड यू। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले आप समझ लें। इसका मतलब ये होता है कि मेल डोमिनेशन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब अगर आप निकालें तो इसका मतलब यही होता है कि मेल डोमिनेशन को खत्म करना चाहती हैं रिया चक्रवर्ती। इसी वजह से शायद इस तरह की टी शर्ट को वो पहन के रखी थी। शायद रिया चक्रवर्ती इसका मतलब ना भी जाने, लेकिन इसका असली मायने जो है, इसका असली मायने के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि मेल डोमिनेशन को खत्म करना। हम आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती पे बड़े बड़े इल्जाम लगे हैं। रिया चक्रवर्ती सारे के सारे सवालों का जवाब ठीक तरीके से नहीं दे पाए। इनफैक्ट हम यूं कहें कि रिया चक्रवर्ती से जब एनसीबी की टीम जब सवाल कर रही थी तब रिया चक्रवर्ती के पास बोलने के लिए कोई जवाब ही नहीं रहता है और वो कुछ भी बोल रही थी, बातों को गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रही थी, इस केस को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही थी और सुशांत सिंह राजपूत के केस से भटकाने की कोशिश कर रही थी और अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही थी। और सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ तो बड़े बड़े सबूत पहले से ही ऑलरेडी लग चुके हैं। इस बारे में तो हम आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं। इसी वजह से रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है। अब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद अगला नंबर किसका आता है तो हम आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने 25 नाम बताए हैं एनसीबी की टीम के सामने और जितने भी 25 नाम बताए हैं वो सारे के सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं और उनके नाम भी सामने आने बचे हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद मेडिकल टेस्ट हो चुका है। अब मेडिकल टेस्ट के आधार पर रिया चक्रवर्ती के ऊपर जितने भी कार्यवाही है वो सारा का सारा जो है उसी पर डिपेंड करेगा। दोस्तों, आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही कहना चाहते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हिंदुस्तान न्यूज़ की रिपोर्ट।